भिवान वेलकम टू माय चैनल आज से हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं आपकी एन की बायोलॉजी सीरीज़ कहाँ से आपकी प्लस वन प्लस टू की ठीक है so, सो हम अब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आपकी बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है या आप कोई भी जो क्लास एग्ज़ाम देना चाहते हो प्लस वन प्लस टू के लिए तो आपके लिए ये कोई भी देखेगा उसके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी बेशक आप इसको आप क्लास के लिए यूज़ कर रहे हो या एज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ वीडियो ले रहे हो तो भी आपके लिए ये यूजफुल रहेगी तो लेट्स स्टार्ट तो हम आज क्या करेंगे फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड को आपको पता है फर्स्ट यूनिट क्या है एन टी बुक का आपकी प्लस वन का वो है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीन्स तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है द लिविंग वर्ल्ड बट उससे पहले आप जब अपनी एन बुक खोलोगे तो फर्स्ट यूनिट आपको दिया है जहाँ पर डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीन उसमें आपको एक बहुत जो दो पैराग्राफ्स या तीन पैराग्राफ्स दिए गए हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके गो थ्रू आप ऐसी एक रीडिंग कर सकते हैं उसका नेक्स्ट पेज पर पे जो चीज़ दी गई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है और वहाँ से, से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो वो जो पेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे सो लिविंग वर्ल्ड से पहले हम जो उस पेज पर पे दिया है एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है हम उनके बारे में पढ़ेंगे सो so, हम पढ़ने जा रहे हैं अर्निस्ट मेयर के बारे में दिया गया है उस पेज पे तो उनका बर्थ कब हुआ था आपके फिफ्थ जुलाई 1904 को हुआ था कहाँ हुआ था जर्मनी में हुआ था ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बता दी गई है फिर उसके बाद क्या वो थे क्या एक्चुअली कैसे साइंटिस्ट थे वो कैसे बायोलॉजिस्ट थे वो एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे क्या थे वो एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे ये चीज़ पूछी जा सकती है आपके फिर उनको क्या एक टैग दिया गया था उनको टैग दिया गया था डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि क्या कि आ, अर्निस्ट मेयर को या हु वॉज कॉल्ड एज द दिन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी तो ये क्वेश्चन बन सकता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये क्या है आपके अर्निस्ट मेयर को क्या टैग दिया गया था आपको टैग दिया उनको टैग दिया गया था डार्विन ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी का ठीक है और इन्होंने एक और जो मेन चीज़ दी थी बहुत सारे काम किए थे उन्होंने बट उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क क्या किया था उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था क्या दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था अब इस कंसेप्ट को समझते हैं क्या कंसेप्ट है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ पहले स्पीशीज़ क्या होती है स्पीशीज़ क्या है आपकी फंडामेंटल यूनिट है किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए जैसे आपको पता है आपकी सेल क्या है सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है सेल से सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है वैसे ही जब आप हेराकी पढ़ते हो टेक्सोनॉमी की तो हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है आपके स्पीशीज से स्टार्ट होती है और ये चीज़ आप कहाँ पढ़ोगे अपने जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसमें डिटेल में ये चीज़ ही पढ़ोगे आप स्पीशीज़ से क्या होता है स्पीशीज़ के बाद क्या आता है ऐसे ऐसे क्या एवोल्यूशन कहाँ तक जाती है आपकी जो हेराकी है वो कहाँ तक जाती है ठीक है तो हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं अभी तो आपका क्या है फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन का मतलब सबसे छोटा यूनिट है और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्लासिफिकेशन का फिर उसके बाद क्या है आपके ग्रुप्स ऑफ क्या होती है आपके स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होते हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं क्लोजली रिलेटेड का मतलब ये है कि जिनके जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बहुत ज़्यादा सेम होंगे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी डिफरेंसेस कम होंगे सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होगी ठीक है मतलब आपका जो जेनेटिक पूल है जेनेटिक पूल क्या है वो कॉमन होगा पूल जो होगा वो क्या होगा वो कॉमन होगा आपका ठीक है जेनेटिक पूल आपका कॉमन होगा आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा सेम होगी उस चीज की ठीक है अब और क्या है कि दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग्स जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो आपस में ही सेम स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर सकती है एंड क्या कर सकती है प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ तो आपके अर्निस्ट मेयर ने ये बोला था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ ये कंसेप्ट है कि जो स्पीशीज़ है वो क्या होती है आपकी क्लोजली रिलेटेड होती हैं ठीक है स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी और वो अपने में रिप्रोड्यूस कर सकती है और फर्टाइल ऑफ प्रेजेंट कर सकती हैं ठीक है प्रोड्यूस कर सकती हैं क्या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स तो आपके बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ यही है क्या होता है ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ़ स्पीशीज़ क्या है उन्होंने में ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया है कि जो स्पीशीज़ है वो क्या करेगी अपने में ही रिप्रोड्यूस करेगी एंड क्या करेगी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी ठीक है ये चीज़ उन्होंने ये जो लास्ट टू पॉइंट्स है कि ये चीज़ उन्होंने अपने कंसेप्ट में दी थी तो so अब आगे समझते हैं तो ये तो आपको समझ आ गया कि स्पीशीज़ क्या करेगी अपने में ही रिप्रोड्यूस करेगी और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट करेगी बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं तो हम बायोलॉजिकल जो आपका कंसेप्ट है स्पीशीज का वो वहाँ पर फॉलो नहीं होता है ठीक है तो देखते हैं कैसे नहीं होता है वहां पे फॉलो तो आगे देखते हैं इस चीज़ को सो so, आपकी अब एक्सेप्शन की बात करते हैं कि चलो ठीक है बहुत सारी स्पीशीज बहुत सारी क्या ऑलमोस्ट हर स्पीशी आपके बायोलॉजिक कंसेप्ट को बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को फॉलो करती है मतलब अपनी स्पीशीज में ही वो इंटरब्रीड करती हैं डेक्ट फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है, है। बट एक्सेप्शन है एक्सेप्शन में फर्स्ट चीज़ आपकी है म्यूल ठीक है म्यूल में क्या होता है आपके पास एक हॉर्स होता है एक डंकी होता है दोनों अलग स्पीशीज ठीक है दोनों अलग स्पीशीज हैं हॉर्स क्या होगा फीमेल ठीक है फीमेल हॉर्स लेते हैं हम तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फीमेल हॉर्स लेते हैं इस वाली जो आपका ये होता है ब्रीड ये ब्रीडिंग करवाते हैं एंड इसमें टोंकी जो होता है वो मेल होता है मेल डोंकी ठीक है मेल होता है आपके पास तो अब क्या होता है इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो क्या होती है वो एक नेचुरल कंडीशन में होती है क्या नेचुरल कंडीशन में होती है नेचुरल ठीक है इसमें ऐसा नहीं है कोई खुद करवा के कर रहा है ये खुद हो रही है नेचर में ये चीज कर खुद कर रहे हैं वो लोग ठीक है तो ये ब्रीडिंग खुद हो रही है ठीक है अब इसमें क्या होता है जो ऑफ होता है मतलब आपका जो म्यूल प्रेजेंट होगा यहाँ पर म्यूल जो प्रेजेंट होगा वो स्ट्राइल होगा अब ये स्ट्राइल मतलब अनफर्टाइल होगा ये ठीक है अनफर्टाइल होगा मतलब ये क्या होगा अब फर्दर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है ऐसा क्यों होता है ये चीज देखते हैं इसमें एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर आप नेचुरल कंडीशन में होता है ये सब कुछ कहाँ होता है नेचुरल कंडीशन में होता है तो अब देखते हैं हम फीमेल का जो आपका क्रोमोजोन नंबर है सॉरी हॉर्स का जो आपका क्रोमोजोम नंबर है वो क्या होता है आपका डिप्लॉइड कंडीशन में होता है सिक्सटी फोर ठीक है और वेयर आज आपका डोंकी का कितना होता है वो होता है ठीक है सिक्सटी अब अब क्या होगा आपको पता है जब भी फर्टिलाइजेशन होती है क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है आपके जो डिप्लॉइड से क्या हो जाता है, है ठीक है, एप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं सेल्स तो यहां से कितने आएंगे आपके यहां से आएंगे आपके थर्टी टू और यहां से आएंगे आपके थर्टी वन क्रोमोजोम सो आपके प्रेजेंट होंगे क्रोमोजोम्स दैट विल बी थ्री सिक्सटी थ्री क्रोमोजोम ठीक है ना तो वो क्या है आपका हॉर्स भी नहीं है ना वो डोंकी एक नई वैरायटी है दैट इज योर म्यूल ठीक है नई स्पीशीज बन चुकी है एंड इसमें अब क्या है एक जो क्रोमोजोम है एक क्रोमोजोम क्या है अनपेयर्ड है ठीक है एक क्रोमोजोम अनपेयर्ड है और इस अनपेयर्ड क्रोमोजोम की वजह से क्या होता है इस अनपेयर्ड क्रोमोजोम की वजह से ये जो स्पीशी है ये जो म्यूल है वो क्या हो जाता है स्ट्राइल हो जाता है अनपेड है इसलिए ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है स्ट्राइल बन चुका है ये ठीक है अब बात करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गई क्या हो रहा है यहाँ पर बायोलॉजिक जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है आपका स्पीशीज का वो वायलेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है दो अलग स्पीशीज हैं वो खुद में ही इंटर ब्रीडिंग uh, कर रही है ठीक है नेचुरल हो रहा है वो प्रोसेस कोई करवा के नहीं कर रहा है वो प्रोसेस हो रही है और उसमें से क्या हो रहा है आपका नेचुरली वो प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है उसकी वजह से आपका जो ऑफ uh, स्प्रिंग आ रहे हैं वो अनफर्टाइल है क्या स्ट्राइल है वो ऑफ स्प्रिंग आपका सेम केस आपका जो नेक्स्ट केस होता है आपका हिनी जो आपका हिनी होता है इसमें ऑपोजिट होता है इसमें आपका जो फीमेल होगी वो क्या होगी डंकी होगी एंड जो मेल होता है वो हॉर्स होता है रिजल्ट तो सेम ही रहेंगे क्रोमोजोम्स यहाँ से 63 थ्री जाए में 63 थ्री आएंगे तो ये भी क्या होगा आपका अनफर्टाइल ही रह जाएगा स्ट्रोइल स्ट्राइल ऑफ स्प्रिंग प्रेजेंट हो जाएगा आपका ठीक है ये चीज़ आपको समझ आएगी अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके उसकी एक्सेप्शनल केस की नेक्स्ट बात करते हैं अब एक्सेप्शनल में हम बात करेंगे टाइगर एंड लिगर की अब आपको इसमें क्या कंफ्यूजन सी जब भी हम ये बात करें इस आपको पता है हम फादर का नेम यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइगर क्या है फादर का नेम तो इस चीज में फादर से बच्चे का नेम आता है ना तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि मेल कौन होगा यहाँ पर मेल क्या होगा टाइगर होगा इस चीज से आप याद रख सकते हैं मेल क्या होगा आपका टाइगर होगा फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आगे कभी इस चीज को याद करने में एंड इसमें फीमेल क्या होगी आपकी फीमेल होगी आपकी इसमें लायन ठीक है फीमेल क्या होगी आपकी लायन होगी अब इसमें क्या होगा ये जो कंडीशन है यहाँ पर जो मीटिंग होती है जो गेमीट्स बनते हैं और जो मीटिंग होती है वो क्या होती है विट्रो कंडीशन में होती है मतलब ह्यूमंस खुद करवा रही है इस चीज को इन विट्रो कंडीशन में होगी ये चीज ठीक है नेचुरली नहीं हो रही हम करवा रहे है, हम ह्यूमंस ये चीज करवा रही है तो टाइगर क्या है मेल अब उसको चीज याद रखने के लिए आपको क्या है कि हमारा क्या होता है हमेशा फादर का नाम यूज हुआ हमारा जो सर नेम होता है हमेशा फादर का यूज किया जाता है वो क्यों इस चीज से आपको क्या याद रखना है इस चीज़ से आपको याद रखना है कि टाइगर टाइगर है ज्यादा इसमें क्या लग रहा है आपको टाइगर टाइगर क्या होगा मेल होगा आपका एंड फीमेल क्या होगी आपके लायन होगी ठीक है अब इनमें आपकी जो इनकी ब्रीडिंग होगी तो इनके जो आप क्रोमोजोम है वो क्या है आपके इसमें जो क्रोमोजोम नंबर है वो है थर्टी एट ठीक है आपके क्या है क्रोमोजोम नंबर थर्टी एट डिप्लॉइड कंडीशन में थर्टी एट क्रोमोजोम्स ठीक है समझ आ गया आपको ये है अब क्या होगा गेमिट्स फॉर्म होंगी जब गेमिट फॉर्मेशन होगी जो गेमिट फॉर्मेशन होगी तो इसमें क्या हो जाएगा दैट विल रिड्यूस टू हाफ तो हाफ क्या होगा इसका आपका होगा uh, nine, 19? आपके ये फॉर्म हो जाएंगे एप्लॉयड गेमीट्स फॉर्म हो गया आपके नाइनटीन आपके जो zygote होगा उसमें वापस कितने आ जाएंगे विल अगेन हैव हाँ थर्टी एट chromosomes, ठीक है अब इसमें आप देख सकते हैं कोई भी क्रोमोजोम अनपेयर्ड नहीं रहा है कोई भी क्रोमोजोम अनपेयर्ड नहीं है इसलिए जो इसकी प्रोजेनी होगी इसलिए जो आपका टाइगन होगा वो क्या होगा टाइगन विल बी फर्टाइल क्या होगा फर्टाइल होगा अनपेड क्रोमोजोम नहीं है इसलिए फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स हो गए क्या है अब ये भी तो एक आपकी जो एक्सेप्शनल केस है बायोलॉजिकल कंसेप्ट का क्योंकि क्या बोला था कि ब्रीडिंग किसके बीच में होगी सेम स्पीशीज के बीच में होगी हो और ऑफ स्प्रिंग्स क्या हो गए फर्टाइल होंगे बट यहां पर तो ब्रीडिंग दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो रही है बट फिर भी जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है फर्टाइल आ रहा है अब हम लाइगर की बात करते हैं अगर लाइगर की बात करें लाइगर में उल्टा होगा लाइगर में आपका मेल क्या होगा याद रखना है फादर की नेम से तो फादर क्या हो सकता है आपका मेल जो होगा वो क्या होगा लायन होगा फीमेल क्या होगी आपकी इसमें टाइगर होगी क्रोमोजोम नंबर तो चेंज नहीं होगा थर्टी एट रहेगा गेमीट्स फॉर्म हो तो आपके नाइनटीन गेमीट फॉर्म होंगे तो आपके नाइनटीन नाइनटीन होंगे जाइगोट अगेन जाइगोड मतलब आपका है। जो लाइगर है वो क्या होगा उसमें भी थर्टी एट क्रोमोजोम्स होंगे थर्टी एट क्रोमोजोम्स है, तो वो फर्दर क्या होगा आपका फर्दर फर्टाइल ही होगा कोई भी अनपेड क्रोमोजोम नहीं है इस वजह से क्या होगा आपका ये फर्टाइल होगा और ये क्या कर रहा है आपके जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट को है वो चैलेंज कर रहा है तो आपको आई होप आपको तीनों चारों एग्जाम्पल समझ गए होंगे आपको टाइगर टाइगर देन म्यूल एंड इसका एग्जाम्पल समझ आ गया होगा तो इसमें क्या है सॉरी <coughs> तो इसमें क्या है ये चीजें आपको क्लियर होगी चार एक्सेप्शनल केसेस है हमारे पास किस चीज को आपके जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को जो चैलेंज करते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हर चीज़ समझ आ गई हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू